कुछ देर में खाद वितरण फिर से स्टार्ट हो जाए। गोदाम की स्थिति तो अभी तक किसी को पता नहीं है कि खाद है भी या नहीं, क्या स्थिति है। आइए हम आपको कुछ अपने किसान भाइयों से जानकारी देते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह यादव। कितनी देर से खड़े हो यहाँ पर? यहाँ से हम खड़े हैं 5 बजे। क्या उम्मीद है आपको, खाद मिलेगी? उम्मीद तो लेके जाए कि खाद मिलना चाहिए। क्या कह दिया आपसे? हमसे अभी कहा कुछ नहीं है, कोई अधिकारी ही नहीं आया। नहीं तो अभी कितने लोगों को खाद मिल चुका होगा सुबह से? सुबह से किसी को नहीं मिला। कहाँ से आए हो आप? हम कालीबाड़ी से। देखिए ये स्थिति है यहाँ पे, सभी लोग जहाँ के तहाँ खड़े देते हैं रात में। क्या नाम है आपका? राम बलवीर। आपको कैसे पता चला था कि खाद बट रही है? कल 12 बजे से खाद बट रहा था, रात के 12 बजे तक भी खड़े रहे, फिर भी खाद नहीं मिल पाया। चार ट्रे आए थे, आज भी सुबह से 5 बजे से भी बैठे। देखिए ये स्थिति है, सभी लोग अपने घर को काम छोड़ छोड़ के यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। आज की डेट में डायरेक्ट तो आते हैं मगर आते ही दिखाते हैं मगर खाद किसी को नहीं मिलता। 500 रुपए की बोरी तो मिल जा रही है, अगर जितनी लेना हो उतनी मिल रही है। क्या नाम है आपका? मेरा राम गोपाल लोधी जराय। आप जराय से आते हैं? हाँ, अभी तो मैं चाहे ट्रक भर लो 500 रुपया बोरी की तो है। अच्छा, तो आपको ये पता है कि गोदाम में खाद भरा पड़ा है? नहीं, कल हाँ, कल 7 गाड़ी आई थी मगर वितरण नहीं हुआ। रात में चाहे ब्लैक कर दी, कल 7 गाड़ी खाली हुई। अब ब्लैक में दे रहे हैं रात भर और दिन भर, कोई किसान बचाओ मर जाए। इनका कहना ये है कि यहाँ पे खाद है, लेकिन शायद रात को चोरी करके ब्लैक में यहाँ के बानियों को बेच दिया जाता है, और फिर वो अपने मनमानी रेट में किसान भाइयों को देते हैं। हालांकि इसके कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं है कि ऐसा किया जाता है, लेकिन किसान भाइयों का सोच और उनका कहना यही है, लेकिन इसका पुख्ता प्रमाण तो जब नहीं बेचेगा जब मिलेगा। अच्छा, तो जो यहाँ पे बेच रहे हैं प्राइवेट दुकानदार, वो यही खाद बेच रहे हैं या दूसरी कंपनी का? तो आप लोगों ने इसकी शिकायत एसडीएम से नहीं की? सुन को रहा हूँ। आप सब लोग इकट्ठे होकर 2-4-6 आदमी एसडीएम से इस बात की शिकायत करने गए? देखिए खाद वितरण के विरोध में फिर आज चक्का जाम किया गया है, और खाद वितरण के विरोध में रोज यही आलम इस रोड पर होता है, और लगातार वाहन खड़े हो जाते हैं। जब तक पुलिस प्रशासन यहाँ पर नहीं आएगा तब तक यही आलम यहाँ पे बना रहता है, और ये रोज़ का काम हो गया है इन लोगों का। किसान भाई रोज़ यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और खाद वितरण के विरोध में चक्का जाम करने लग जाते हैं। जब तक प्रशासन यहाँ पर नहीं पहुँचता है तब तक इसी तरह चक्का जाम बना रहेगा। तमाम नारेबाजी करते हुए किसान लोग, जिसमें महिलाएं भी उनका साथ दे रही हैं, ये देखिए आप वाहन सब जगह एकत्र हो गए हैं, दूर दूर के वाहन, स्कूल की बसें, और बसों में विद्यार्थी बैठे हुए हैं जो कि अपने समय पर शायद आज स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे। ये बार बार और रोज का यही आलम यहाँ पे बन जाता है। इस तरह से देखिए पूरी भीड़ एक ही साथ इकट्ठी हो जाती है, सारे किसान भाई नारेबाजी करते हुए और जबरदस्ती गाड़ियाँ रोक रहे हैं। ये देखिए आप जब नज़दीक से हालात कुछ इस तरह पैदा हो जाते हैं। अचानक से अभी खाद वितरण हो रहा था, अचानक से खाद वितरण बंद कर दिया गया और ये चक्का जाम पर उतर आए सभी किसान। स्थितियाँ
थोड़ी काबू से बाहर, वाहन जहाँ के तहाँ खड़े हुए, ये लौट रहे हैं बाहर। वो देखिए वहाँ से एक डंपर लौट रहा है, देखिए आप। आज किसान खाद वितरण के विरोध में अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर एकत्र हो गए। गाड़ियाँ रोक कर खड़े हैं।